अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल साइंस क्लास 8th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। आवर टुडे सब टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन एग्जर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट और एन अदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप आज का हमारा सब टॉपिक है, वो फोर्स जो एग्जर्ट होता है, जो द फोर्स एग्जर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होता है, वो फोर्स जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे या दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्लास्टिक काम यानी प्लास्टिक कंगा को लेंगे या प्लास्टिक पेन को लेंगे, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है जब हम इसको रब करते हैं ड्राई हेयर यानी सूखे बालों के साथ जब हम इसको रब करते हैं, तो वहाँ पे एग्जर्ट होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनचार्ज्ड टिनी पीसेस ऑफ पेपर पे, तो और वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हम एक प्लास्टिक काम को लेंगे यानी प्लास्टिक कंगा को लेंगे या प्लास्टिक पेन को लेंगे, इसको हम रब करेंगे अपने ड्राई हेयर के साथ यानी सूखे बालों के साथ, इसको हम रगड़ाते रहें तकरीबन एक मिनट तक। तो इसके बाद जो एक कंगा है इसको हम नज़दीक रखेंगे टिनी पीसेस ऑफ पेपर, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े नीचे रखेंगे, तो जब थोड़ी सी दूरी पे हम इस कंगे को रखेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि जो ये कंगा है ये अट्रैक्ट करेगा इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को, और जो टिनी पेपर पीसेस ऑफ पेपर जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द काम की तरफ, वो स्टिक हो जाएंगे। तो इसे एक्सप्लेन होता है कि जो प्लास्टिक काम हैं रब करने से, ड्राई हेयर पर रब करने से काम गेट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो काम है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होती हैं पैदा होती हैं बाय फ्रिक्शन की वजह से। और जो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड काम है जब हम इसको नियर यानी इसको नज़दीक रखेंगे पीसेस ऑफ पेपर के पास, तो ये एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं वो मूव हो जाते हैं काम की तरफ और स्टिक उस पर स्टिक हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है टिनी पीसेस ऑफ पेपर है पीसेस ऑफ पेपर की, इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्वायर्ड बाय द काम ऑन रबिंग इन हेयर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये रेस्पॉन्सिबल हैं रेजिंग आवर बॉडी हेयर जब हम ये टेरेलिन या पोलिस्टर शर्ट निकालते हैं ड्राई वेदर में, तो वहाँ पे जो हमारी बॉडी ये जिम्मेदार है रेजिंग आवर बॉडी हेयर व्हेन वी ट्राई टू टेक ऑफ ए टेरेलिन और पोलिस्टर शर्ट। इसी तरह जब हम इन्फ्लेटेड बैलून को लेंगे, इसको हम रब करेंगे एक पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, पोलिस्टर या नायलॉन क्लॉथ के साथ, जब हम इसको प्रेस करेंगे अगेंस्ट वॉल दीवार के साथ जब हम इसको प्रेस करेंगे, ये जो बैलून है ये स्टिक हो जाएगा इस दीवार के साथ। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। दिस हैपन्स एज फॉलोज, जब बैलून रब किया जाता है एक पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, ये जो बैलून है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हासिल करता है और इलेक्ट्रिकली एंड गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बैलून है ये अट्रैक्ट करता है अनचार्ज्ड वॉल और इस पर स्टिक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एग्जर्ट करता है एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक दूरी पे फ्रॉम ए डिस्टेंस एवन व्हेन दे आर नॉट इन, जब कि वो टच में नहीं होते हैं एक दूसरे के पास। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मिसाल है नॉन कंटैक्ट फोर्स का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स। तो इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ग्रेविटेशनल फोर्स।
तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।